हयात नगर क्षेत्र के असलमपुर में घर के बाहर खेल रही दो मासूम बच्चियों को बेकाबू ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल बालिकाओं को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। ट्रैक्टर चालक को मौके से भाग गया। शामली में गंदे नाले में 5 वर्षीय मासूम के डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला कस्बा कैराना के मोहल्ला अफगान नान का है, जहां मोहल्ले के ही इस्लाम नामक व्यक्ति की 5 वर्षीय बच्ची बीते बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश की मगर बच्ची का कहीं भी सुराग नहीं लगा। गुरुवार को सफाई कर्मचारी को सफाई के दौरान बच्ची पास ही पेड़ के गंदे नाले में मृत अवस्था में मिली। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक बच्ची के परिजनों सहित मोहल्लेवासियों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बनाए गए नाले का सही निर्माण नहीं होने से यह हादसा हुआ है, जिससे आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। कल 20/1/2021 की शाम लगभग 4 बजे एक 4 वर्ष की बच्ची फाइमा जो लापता हो गई थी और साबुत रात परिवार वालों ने तलाश करी, लेकिन आज सुबह उसकी लाश मिली नाले में। अभी नया निर्माण नाला करा नगर पालिका ने, वो 4 फुट गहरा है और चल तो फिर तो उससे नजर नहीं आती, तो इसलिए वो बच्ची उसमें जाके गिर गई, उसकी मौत हुई। ये खाड़ा गहरा हो गया जी, खाड़ा गलत बन गया, यो छपने देते नहीं से, बच्चे कई गिर गए पहले भी, उस जब तक इसके ध्यान नहीं दिया, अब के बच्ची गिर गई रात से, मतलब जो है ना मरी भी मिली, तो अब इसका ध्यान दिया गया। बस 4 साल की बच्ची है जी और पानी इसमें 4 फुट है। वो तो एक मतलब भंगी जो साफ करने वाला है सुबह के टाइम में कबड़ा, उसके उसमें फंस गई, मतलब वो बच्ची